बच्चों ये तो हम सिंपल ही समझ सकते हैं, ये जो चौक है ये कैसा है, लॉन्ग है उसके कंपेयर में, क्योंकि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। इसी तरह बच्चों हम एक पिक्चर्स दी हुई है, हाउ फेयर एप्पल आर द डॉट्स, यानी जो डॉट्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है ये हमें देखना है। बच्चों उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डिड यू गाइस राइट। बच्चों उसमें से कोई भी दो डॉट्स तुम्हें देखने हैं और उसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में तुम्हें मेजर करना है, यानी वो भी बिल्कुल नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली तुम्हें अनुमान लगाना है, फिर क्या करना है उसे स्केल की हेल्प से मेजर करना है और बताना है तुम कितने राइट हो। ये एक्टिविटी तुम्हें करनी है, मैंने तुम्हें समझाया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फर्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। बच्चों ऐसे दो डॉट्स तुम्हें ढूंढे जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पर, जो हमें ऊपर पिक्चर्स दिखाया है उसमें से दो डॉट्स तुम्हें ढूंढ के बताने हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर हो। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, व्हिच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। इसी तरह जो तुमने लॉन्ग डिस्टेंस पर दो डॉट फाइंड किए, इसी तरह बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पर यानी जो बिल्कुल नजदीक है ऐसे दो डॉट्स तुम्हें फाइंड करने हैं और आंसर में बताने हैं। बच्चों अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, द शॉर्टर लाइन यानी छोटी सी लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, वंस अकबर गिव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। बच्चों हमें पता है अकबर फेमस किंग था, यानी एक फेमस राजा था, उसके वहाँ एक स्मार्ट मिनिस्टर यानी चतुर मिनिस्टर यानी एक मंत्री भी था जिसका नाम बीरबल था। तो बच्चों एक दिन अकबर ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, उसने क्या किया फ्लोर पर यानी एक लाइन बना दी इस तरह, और अकबर ने क्या बीरबल को क्वेश्चन किया, बीरबल हर इज लाइन में बी शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, इस लाइन को तुम शॉर्ट बनाओ पर उसे इरेज नहीं करना। तो अकबर ने बीरबल ने क्या कहा, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, उसने लाइन शॉर्ट कर दी। कैसे बच्चों, उसने दूसरी लाइन बना दी जो उससे बड़ी थी। तो बच्चों इस पिक्चर के ऊपर से हमें क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर। बच्चों आप पिक्चर देखो और उसके ऊपर से समझ कर बताओ अकबर की लाइन, ये जो लाइन थी अकबर की लाइन थी, फिर ये बीरबल की लाइन थी। तो बच्चों उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है कि तुम वो पिक्चर देखो और समझ के बताओ कि बीरबल ने अकबर की लाइन कैसे शॉर्ट बना दी। तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा, बीरबल हो क्या किया बच्चों, बीरबल ने अकबर की लाइन से लॉन्ग लाइन बना दी जिसकी वजह से अकबर की लाइन शॉर्ट हो गई। इसी तरह बच्चों नाउ कैन यू बी स्मार्ट एज बीरबल, बीरबल कैसा था एक चतुर उसका मंत्री था, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट एनर्जी इन जस्ट ही इज दे आर लॉन्गेस्ट लाइन। उसने अपनी सोच से क्या कर दिया अकबर की लाइन को छोटा साबित कर दिया। इसी तरह बच्चों तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया, आगे ट्राई दीजिए, आपको ट्राई करना है, मेक हर लाइन आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। बच्चों यहाँ पर एक डॉल दी हुई है उसका राइट आर्म बताया है और लेफ्ट तुम्हें बनाना है। राइट बना कर दिया है और लेफ्ट तुम्हें बनाना है पर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाना है। जैसे
इसलिए उसका एक आर्म हमें देखते हैं कि कितना बनाकर दिया हुआ है। तो दूसरा जो लेफ्ट साइड है वो बनाना उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा, यानी हम सपोज कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। इसी तरह तुम्हें वो टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है। इसी तरह सेकंड है, जो कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, बच्चों जो कप तुम्हें ड्रॉ करके दिया है उसकी लेंथ से 1 सेंटीमीटर शॉर्ट दूसरा कप साइड में तुम्हें ड्रॉ करना है। इसी तरह थर्ड, जो रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस रूम, बच्चों यहाँ पर जो रूम दिया है उससे आधा रूम तुम्हें दूसरा ड्रॉ करना है। सपोज ये मान लो कि 6 सेंटीमीटर का रूम तुम्हें ड्रॉ करके दिया है तो तुम्हें दूसरा उसके साइड में 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। बच्चों ये सेंटीमीटर तुम्हें मेजर करने हैं फिर उससे बिल्कुल आधा ड्रॉ करना है। इसी तरह जो अनदर हेड ऑफ डबल द लेंथ, बच्चों एक पिक्चर दी हुई है जिसके ऊपर एक छोटा सा हेयर है उससे डबल लेंथ, यानी ये हेयर 1 सेंटीमीटर का हो तो तुम्हें 2 सेंटीमीटर का हेयर उसके माथे पर बनाना है। इसी तरह बच्चों पेज नंबर 15, हाउ टॉल हैव यू ग्रो, क्या आप अपनी लेंथ जानते हो? बच्चों जब आप अपनी अगले साल स्टैंडर्ड 3 में थे तब आपकी हाइट को मेजर किया होगा, वो आपको याद है? तो उसके ऊपर से क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टेलर, या क्या आपकी हाइट बड़ी है या फिर जो स्टैंडर्ड 3 में थी उतनी की उतनी है? तो क्या आप उसके ऊपर से क्या क्वेश्चन लिखोगे? यस आई हैव ग्रोन टेलर, यानी मेरी हाइट जो स्टैंडर्ड 3 में थी उससे कुछ बड़ी है। अब क्वेश्चन उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, हाउ मच, फिलिंग द ब्लैंक्स सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर ज्यादा होगी है? तो कितने होगी बच्चों, किसी की 5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7, तो जो भी हो तुम्हें मेजर करके लिखना है। बच्चों उसके बाद एक नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है, फाइंड आउट द फील्ड द टेबल बिलो, यानी वो टेबल में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो तुम्हें ढूंढ के वहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों पहला एक में समझा दी हूँ, बाकी तुम्हें करना। बच्चों पहला लिखा है फ्रेंच है, सेकंड है लास्ट, यस फाइन, बच्चों इसी तरह तुम्हें बॉक्स दिया हुआ है और क्या पूछा है, पहले भी लिखा है तुम्हारे कोई भी फ्रेंड का नाम लिखते हैं, सपोज हम लिख देते हैं सन, कोई भी गर्ल से। अब उसके लास्ट ईयर की हाइट हम सपोज करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड जिले में उसकी हाइट कितनी थी, 105 सेंटीमीटर। बच्चों ये सपोज करके मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, पर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंडों की हाइट मेजर करके लिखनी है। उसके बाद 20 ईयर ऑफ हाइट, अभी उसकी हाइट कितनी है हम सपोज कर देंगे 109 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर है द ग्रोथ, उसकी हाइट में कितना ग्रोथ हुआ, कितनी उसकी हाइट बड़ी है, तो अब बताएंगे कितना होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। 109 - 705 = 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सना जो थी वो एक साल में यानी
अभी जो हाई है वो और उनकी ग्रोथ में कितना बड़ा कितना कितनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ हुई वो बताइए। इसी तरह ये जो बॉक्स है वो तुम्हें पूरा टेबल कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट, झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। बच्चों वो गर्ल है झुम्पा, वो क्या कर रही थी, रीड एक लिस्ट रीड कर रही थी जो हमारे वर्ल्ड के टॉलेस्ट पीपल है यानी बहुत ऊंचे लोग हैं उनके। वन ऑफ थिंग वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। उसने उसमें एक इंसान को देखा जिसकी हाइट कितनी थी बच्चों 272 सेंटीमीटर। क्योंकि दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपर्स हाइट, हाउ टॉल इज जंपा फिलिंग द ब्लैंक सेंटीमीटर। वो क्या थी इसकी हाइट, जंपा से डबल हाइट थी, वो जो टॉल मैन था सबसे बड़ा टॉल मैन उसकी हाइट जंपा जो लड़की है उसकी हाइट से डबल थी। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जंपा की हाइट कितनी होगी, तो क्या होगी जंपा की हाइट। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं। Without
क्या होगा बच्चों कि नो, वो मेरे घर की छत को टच नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर की जो छत है वो क्या है, उससे भी ज्यादा हाइट में, यानी 10 सेंटीमीटर है, और वो टॉलेस्ट हिस्सा कितना था, 272 सेंटीमीटर की टॉल था, पर ये तो हमारी घर की छत की हाइट तो 310 सेंटीमीटर तक ऊंची बच्चों उसके ऊपर से। आगे क्वेश्चन, द लॉन्ग एंड शॉर्ट योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली में से लॉन्ग और शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन दिए, वही आपको फिलअप करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, यानी बच्चों आपकी फैमिली में जो सबसे ज्यादा ऊंचा है उसका नाम लिखना है, और कितना ऊंचा है वो लिखना है। तो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा ऊंचा यानी सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो एक आंसर में लिखवा दूँ, सेकंड आपको कंप्लीट करना। तो पहला है तो लिखना है, माई फादर है।
सेकंड है हाउ फील्ड है इज रेहाना फ्रॉम कोलकाता एंड उमा, यानी रेहाना जो दो गर्ल्स है कोलकाता एंड उमा उनसे कितनी आगे है ये लिखना है। तो आप अनुमान लगा के सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हाउ फील्ड आर कोलकाता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, यानी जो लास्ट में दो गर्ल है कोलकाता एंड उमा वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है, ये दो क्वेश्चन तुम्हें सोच के लिखना है। हमें जो ऊपर फोर ऑप्शन दिए हैं उसी में से ही लिखना है। अब आगे हैव यू हियरिंग अबाउट द 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस, यू आर रिमेंबर दैट 100 मीटर में 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर में हाफ अ किलोमीटर। बच्चों आपने सुना होगा 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस के बारे में, रेस यानी दौड़ के बारे में। तो बच्चों यहाँ हमें ये याद रखना है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, जो हमें नॉट दिए उसमें है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, यानी तो बच्चों उसके ऊपर से हमें आगे दो क्वेश्चन दिए। सो यू कैन से, ये हमने जो देखा उसके ऊपर से तुम्हें दो क्वेश्चन लिखने हैं। इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी पहला जो है उसमें लिखा है कि 1500 मीटर रेस में जो पीपल है यानी कि इंसान है वो कितना किलोमीटर तक दौड़ेगा। तो बच्चों ये 1500 के लिए पूछा है तो क्या आएगा 1 किलोमीटर एंड हाफ। इसी तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन है इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन फ्रॉम द ब्लैंक्स किलोमीटर, तो जो इंसान है वो 3000 मीटर की रेस में कितने किलोमीटर तक जाएगा, तो किलोमीटर में तुम्हें आंसर लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 70 हैव यू हियरिंग अबाउट द मैराथन रेस इन व्हिच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, क्या बच्चों आपने मैराथन यानी लंबी कूद के बारे में सुना है जिसमें जो भी पर्सन होते हैं वो 40 किलोमीटर तक रेस लगाते हैं। People run marathon on road because the track of stadium is only 40 meter. बच्चों यहाँ पर 40 meters का एक ground बनाया हुआ होता है जिस पर उसे दौड़ना होता है। तो बच्चों उसमें question पूछा 10 round of the stadium track equal to 4 filling the blanks kilometer. बच्चों यहाँ पर ऐसा पूछा है कि जो स्टेप मैराथन की रेस के लिए जो ट्रैक बनाई है वो कितनी है 400 मीटर और उसे तो 44 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो ऐसा पूछा है कि इस ट्रैक पर उसे दौड़ना है तो कितने राउंड लगाने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 राउंड है फॉर 100 मीटर के 10 राउंड है तो कितने किलोमीटर तक वो दौड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर है 400 मीटर के 10 राउंड, तो बच्चों हम देख सकते हैं यानी वो 4000 मीटर दौड़ेगा, पर हमें यहाँ आंसर किलोमीटर में लिखना है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर आएगा। अब उससे आगे क्वेश्चन है सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स राउंड, बच्चों जो मैराथन की रन है उसे कंप्लीट करने के लिए उसे जो ये बनाया था ना राउंड उसके कितने राउंड लगाने होंगे ये तुम्हें ढूंढ के फिर
तुम पिक्चर देख लो, उसके बाद कुछ लिखा है वो हम देखो। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। बच्चों ये धनु एक बॉय है, उसने सबसे लॉन्ग जंप लगाया 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का। फिर गुलजीत इज सेकंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनु। गुलजीत सेकंड नंबर पे था, उसने धनु से 20 सेंटीमीटर कम यानी ओछा जंप लगाया, यानी वो धनु के जितने कर सकता था उसके उसमें 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी कम थ्रेड हैज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुलजीत जंप। गोपी ने गुलजीत से 5 सेंटीमीटर कम जंप लगाया। तो बच्चों पहले तो हमें इन तीनों के जंप फाइंड करने होंगे कि उन्होंने कितने कितने जंप लगाए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं धनु ने, धनु का जंप कितना था बच्चों 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद गुलजीत, उसने धनु से 20 सेंटीमीटर कम जंप लगाया। तो बच्चों वो कितना होगा सोचो और बताओ। वो होगा 3 मीटर 20 कम लगाया तो 20 सेंटीमीटर। अब लास्ट में है गोपी। बच्चों उसने गुलजीत से सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम ही जंप लगाया था, तो ये आपको फाइंड करना होगा कितना होगा। उसके ऊपर से बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं तुम्हें समझाती हूँ, फिर तुम्हें लिखना है। हाउ लॉन्ग आर गुलजीत एंड गोपी जंप। हमें गुलजीत और गोपी दोनों के जंप फाइंड करने हैं, तो मैंने एक तुम्हें बताया है, सेकंड तुम्हें करना है। अब ट्राई एंड सी हाउ फेयर यू कैन जंप। बच्चों अब तुम्हें ट्राई करना है क्या आप लॉन्ग में से लॉन्ग कितना जंप लगा सकते हो। आपको आपके घर के आसपास जो मैदान दिखता है वहाँ पर लिख के फिर सेंटीमीटर में मेजर करना है। उसके आगे बच्चों एक और क्वेश्चन, हाउ फेयर कैन यू थ्रो अ बॉल फिंग द नेक्स्ट मीटर। बच्चों एक बॉल को आप कितनी हाइट तक फेंक सकते हो वो देखना है, फिर वो मीटर में डिस्टेंस को मेजर करके हमारी फीलिंग ऑफ रेंज में लिखना है। नेक्स्ट, लुक फॉर अ बिग बॉल। बच्चों क्या आपने बड़ा बॉल देखा है जैसे कि वॉलीबॉल फिर फुटबॉल जैसा, क्योंकि लाइक वो फुटबॉल और वॉलीबॉल यानी कि फुटबॉल एंड वॉलीबॉल जैसा। हाउ वेल कैन यू कीप इट यानी आप उसको कहाँ तक फेंक यानी कि किक मार सकते हो, जैसे कि फुटबॉल और वॉलीबॉल को हम किक ही मारते हैं, जितने मीटर्स तक उसकी किक मार सकते हो वो तुम्हें किक पहले मारनी है, फिर वो मेजर करके यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें ट्राई करना है, फिर वहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे, आज का यहाँ तक है। थैंक यू बच्चों।